हेलो, गुड मॉर्निंग. दिस इज समो कुमार फ्रॉम आदित्य क्लासेज. वी आर डूइंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. ठीक है, ठीक है. पूरा का पूरा चैप्टर में थ्रू आउट हमने क्या डिस्कशन किया था उसका एक रिकैप ले लेते हैं. ठीक है, पूरा का पूरा अपने सिस्टम में हम लोग पूरे के पूरे इस चैप्टर में, ठीक है, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है. एक होता है प्राइमरी सेक्टर होता है, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर होता है, ठीक है, एक होता है टर्सरी सेक्टर होता है. ठीक है, टर्सरी सेक्टर होता है. तो हमको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसको बोला जाता है, सेकेंडरी सेक्टर को बोला जाता है. इस सेक्टर में क्या होता था, रॉ मटेरियल का क्या होता था, वैल्यू एडिशन होता था. ठीक है, मतलब फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता था. और फाइनल प्रोडक्ट बना के क्या किया जाता था, टर्सरी सेक्टर के थ्रू ट्रांसपोर्ट कराया जाता था, जिसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं. ठीक है, मैंने आपको बता दिया था इसमें टीचिंग हो गया, डॉक्टर्स हो गए, और जो भी ट्रेडर्स होते हैं. ठीक है, ट्रेडर्स होते हैं, आपको चैप्टर वगैरह में बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है इस चीज़ को. ठीक है, तो पूरा का पूरा मैंने आपको इसका एक रिकैप दे दिया. ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया हुआ था इस चैप्टर के लिए, ठीक है, जहाँ पे रॉ मटेरियल सिचुएटेड होगा वहाँ पे इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर किया जाएगा. ठीक है, किसी के द्वारा भी, ठीक है, किसी के थ्रू भी. ठीक है, कैसे कराया जा सकता है भाई वहाँ पे. ठीक है, मैंने आपको बताया था, आपको एग्जाम्पल दिया था, मैंने कोल का दिया था, शुगर का दिया था. ठीक है, और बताया था कि जहाँ पे रॉ मटेरियल मिलता है उसके बगल में ही या नियर बाई ही इंडस्ट्री लगाने पे किस तरीके से उस इंडस्ट्रियलिस्ट को बेनिफिट मिल सकता है. ठीक है, किस तरीके से मिल सकता है भाई, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो सकता है. ठीक है, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा तो मार्केट में उसका MRP भी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी कम होगा. अगर MRP जिसका कम होगा, लोग किसको खरीदेंगे, उसी को खरीदेंगे, ऑब्वियस सी बात है. तो इंडस्ट्री लगाना, इंडस्ट्रियल लोकेशन लगाना बहुत ज़रूरी होता है. इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल था, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर हो गया, पावर इन द सेंस ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी हो गया. ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर हो गया, ठीक है, गुड मार्केट हो गया. ठीक है, ये सब मैंने पूरा का पूरा आपको बताया हुआ था. ठीक है, थ्रू आउट द चैप्टर में. ठीक है, उसी रिगार्डिंग में हम लोगों को सीमेंट इंडस्ट्री देखना. ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री. क्यों, क्योंकि भाई रोड बनेगा किससे बनेगा, सीमेंट से बनेगा. घर बनेगा किससे बनेगा, सीमेंट से बनेगा. जो भी अपना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होता है उसमें सीमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. और किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए वहाँ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भाई इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इंफ्रास्ट्रक्चर किससे ग्रो करेगा, सीमेंट से ग्रो करेगा. ठीक है, सीमेंट किससे मिलेगा भाई, सीमेंट लाइमस्टोन से मिलेगा. ठीक है, तो सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ पर लगाना ज़्यादा प्रीफर होगा, जहाँ पर लाइमस्टोन मिलता हो ऑलरेडी. ठीक है, तो लाइमस्टोन की अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, उसको देखेंगे. और सीमेंट इंडस्ट्री किस तरीके से इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है. ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, बिल्डिंग, ऑफिसेस, ब्रिजेज एंड डैम्स. ठीक है, ठीक है, डैम भाई क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होता है. ठीक है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होता है ये. मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में इसको इंडक्शन कैनल बनाया जा सकता है इससे. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराया जा सकता है इससे. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराया जा सकता है इससे. ये वाला हो गया आपका मैटर. ठीक, अब क्या हो गया, इंडस्ट्री यूजेस बल्की रॉ मटेरियल्स. ठीक है, लाइमस्टोन क्या हो गया, बल्की रॉ मटेरियल हो गया. ठीक है, सच एज सिलिका, लाइमस्टोन. ठीक है, अलिमुना. ठीक है, एंड द जिप्सम हो गया. कोल, रेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आर अदर इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री. ठीक है, आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताया हुआ था मैंने. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या हो सकते हैं. ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल हो सकते हैं. ठीक है, इंडस्ट्रियल लोकेशन कहाँ पे हो सकता है. इंडस्ट्रियल लोकेशन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जब प्रोडक्शन कहाँ पे होगा तो इंडस्ट्रियल लोकेशन कहाँ पे होगा, जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, जहाँ पे एनर्जी सेक्टर बहुत अच्छे से, मतलब भाई बड़े बड़े मशीन किस पे काम करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पे काम करेंगे. अगर इलेक्ट्रिसिटी रहा ही नहीं तो मशीन कैसे काम करेगा, अपना पेट्रोल डाल के जनरेटर भी चलाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगा. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है. ये चीज़ मैंने आपको बार बार समझाया है. और पूरा का पूरा कंसेप्ट अगर इस चैप्टर का समझना है तो यही है. इंडस्ट्रियल लोकेशन कहाँ पर रहेगा इसको रट लेना है. इंडस्ट्रियल लोकेशन जहाँ पर रहेगा, जहाँ पर रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी रहेगा, जहाँ पर पावर सप्लाई अच्छा रहेगा, जहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा रहेगा, जहाँ का मार्केट अच्छा रहेगा, जहाँ के लेबर, चीप लेबर अच्छा होगा. और एक और चीज़ होता है, जहाँ पर इंडस्ट्री लगाने का लॉ लिबरल हो. ठीक है, तो वो ग्लोबलाइजेशन वाले पर्सपेक्टिव से हमको पढ़ना है. ठीक है, उसमें नहीं जाना है हमको अभी. ठीक, फर्स्ट सीमेंट प्लांट इस्टेब्लिश कहाँ किया था, चेन्नई 1904 में किया गया था. ठीक है, सिंस देन इट इज़ कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग बिकॉज ऑफ मेनी रीजन्स, द कंट्रोल ऑफ प्राइजेस,
प्रोमलगेशन ऑफ मेनी रिफॉर्म. प्रोमलगेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, किसी लॉ को इंट्रोड्यूस करना, ठीक है. रिफॉर्म मूवमेंट रिलेटेड टू द इंडस्ट्री, द रिक्वायरमेंट ऑफ सीमेंट इन द बिल्डिंग ऑफ रोड्स हाउस रेलवेज ब्रिजेस एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल मार्केट आर सम फैक्टर्स विच हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द सीमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है. समझ गया. फॉरेन फैक्टर्स क्या हो सकते हैं भाई, फॉरेन से लोग आए बोले कि देखो तुम प्रोडक्शन कॉस्ट इतना लगाते हो, हम तुमसे सस्ता में हम प्रोडक्शन कॉस्ट करवा देंगे. तो भाई सस्ता सीमेंट भी मिलने लगेगा, सस्ता सीमेंट मिलने लगेगा कि जो जिन लोगों के पास झोपड़ी का घर है वो भी सीमेंट खरीद के, भाई सस्ता बन रहा है तो सस्ता बिकेगा, सस्ता बिकेगा तो क्या होगा, जो लोग गरीब भी हैं वो भी सीमेंट अफोर्ड करके क्या कर सकते हैं, अपना सीमेंट का घर बना सकते हैं, मतलब पक्की मकान बना सकते हैं, ठीक है. ऑल वेदर हाउसेस, ठीक ठीक इंडियन सीमेंट इज एक्सपोर्टेड टू द मिडिल ईस्ट, ईस्ट एशिया, साउथ साउथ एशिया एंड अफ्रीका, ठीक है. थैंक यू सो मच. इस चैप्टर में यही था, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में.